गर्मियों के मौसम में आम की कई डिशेस बनाई जाती है, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कच्चे आम की लौंजी। इसका नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मीडियम साइज के कच्चे आम लेंगे। इसे पहले अच्छे से धो लेते हैं और धोने के बाद इसका छिलका हटा लेंगे। गुड़ और मसालों के मिश्रण से तैयार यह खट्टी मीठी डिश आपके खाने के जायके को और भी बढ़ा देती है। तो देखिए, इस तरह से आम को छिलकर तैयार कर लेंगे। इसके ऊपरी सिरे को काटकर हटा देते हैं और इसके गुद्दे को मीडियम साइज के टुकड़ों में काट लेंगे। आप अपने इच्छा अनुसार छोटे या बड़े साइज के टुकड़ों में इसे काट लीजिए। मैं यहाँ आम को इस तरह से लंबे टुकड़ों में काट रही हूँ। आप चाहे तो इसके चार टुकड़े भी कर सकते हैं। हमें इस तरह से एक मीडियम थिकनेस में आम को काट लेना है। बहुत ज़्यादा अगर हम मोटा काटेंगे तो फिर आम अच्छे से पकेगा नहीं। अब गुठलियों का चाहे तो आप यूज़ करें या फिर इसे हटा दें। चलिए अब इसे पकाना शुरू करते हैं। इसके लिए एक कढ़ाई या पैन को गर्म करेंगे और इसमें 2 चम्मच घी डालते हैं। घी में लौंजी का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। अब इसमें खड़े मसाले का तड़का लगाते हैं। 1 चम्मच जीरा डालेंगे, 1/2 चम्मच इसमें अजवाइन डालते हैं, 1/2 चम्मच सरसों का दाना और 1/2 ही चम्मच इसमें सौंफ डालते हैं। सभी को थोड़ा चटक जाने देते हैं, घी में इसकी अच्छी खुशबू आ जाए। इसे हल्का सा चला लेते हैं। अब इसमें कटे हुए आम के टुकड़ों को डालेंगे और इसे भी 2 से 4 बार चलाकर भून लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा हल्दी छिड़कते हैं और इसे चला लेंगे। हल्का ब्राउन लेयर जब तक इस पर ना आए इसे हम भून लेते हैं। अब हम इसमें 1 कप गुड़ डालेंगे क्रश करके और इसमें डालते हैं फिर 1.5 कप पानी। चलिए इसे भी अच्छे से मिला लेते हैं। ढककर अब आम को हम 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। 3 से 4 मिनट के बाद चेक करते हैं। ये देखिए, बहुत अच्छा इसमें बॉयल आ रहा है, लेकिन अभी भी ये बहुत पतला है, तो अभी हमें इसे और पकाना है। आम भी अच्छे से भी गला नहीं है, तो इसे फिर ढक लेते हैं। अब वापस इसे चेक करते हैं तो देखिए गुड़ भी कितना अच्छा से गाढ़ा हो चुका है। आम को चेक कर लेते हैं कि ये पका है कि नहीं। तो देखिए आम भी बहुत अच्छे से कट जा रहा है, यानी कि आम भी पककर तैयार है। यह एक बहुत ही स्वादिष्ट चटनी है जो खाने में टेस्टी और बनाने में बहुत ही आसान और कम समय में झटपट बनकर तैयार भी हो जाने वाली एक डिश है। तो अब हम इसमें कुछ सूखे मसाले डालेंगे जो इसके टेस्ट को और ज़्यादा इन्हेंस कर देंगे। तो अब हम गैस को बंद कर लेते हैं। गैस बंद करने के बाद हम इसमें सूखी लाल मिर्च मिलाते हैं, लाल मिर्च पाउडर यानी कि। इसमें डालते हैं काला नमक और डालेंगे फिर इसमें चाट मसाला और भुना हुआ जीरा। चलिए अब इसे हम मिला लेते हैं। तो एकदम खट्टी मीठी चटनी ये हमारी बनकर तैयार हो गई है। इस एक डिश में आपको खट्टा, मीठा और तीखा तीनों फ्लेवर का एक बहुत ही अच्छा कॉम्बो टेस्ट मिलता है जो सभी को पसंद आए। रेसिपी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और बिन्नी की रसोई को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।